और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, महंगाई राहत कैंप से पहले कर्मचारियों संगठनों का आंदोलन। मंत्रालय कर्मचारी की वेतन विसंगति और पदोन्नति की मांग की जा रही है। सूचना सहायक और सहायक प्रोग्रामर संघ की ग्रेड पे बढ़ाने की मांग है। खाद्य विभाग रसद और प्रवर्तन अधिकारी की पदोन्नति की मांग है। पटवारी से तहसीलदार राजस्व कर्मी समझौता पत्र लागू करने की मांग भी की गई है। और इन सभी संगठनों की हड़ताल से सरकारी कामकाज ठप हुआ है। हड़ताल के चलते सरकारी दफ्तरों में फाइलें मूवमेंट नहीं कर रही है। हड़तालों से हल्कान प्रदेश की जनता की परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। तो इस आंदोलन का असर पड़ रहा है कामकाज पर। महंगाई राहत कैंप से पहले कर्मचारी संगठनों का यह आंदोलन लगातार जारी है। मंत्रालय कर्मचारियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति की मांग लगातार की जा रही है। आपको फिर से बता दें, सूचना सहायक और सहायक प्रोग्रामर संघ की ग्रेड पे बढ़ाने की मांग है। इसके अलावा खाद्य विभाग रसद और प्रवर्तन अधिकारी की पदोन्नति की मांग है। पटवारी से तहसीलदार राजस्व कर्मी समझौता पत्र लागू करने की मांग है। और इस सभी संगठनों की हड़ताल से सरकारी कामकाज भी ठप हो चुका है। हड़ताल के चलते सरकारी दफ्तरों में फाइलें मूवमेंट नहीं कर रही है। हड़तालों से हल्कान प्रदेश की जनता की परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। दीपक मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, पेच कहाँ फंसा हुआ है, हल कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि आंदोलन लगातार जारी है और कामकाज ठप हुआ पड़ा है। देखिए, इस हड़ताल से जनता हल्कान है और फाइलों का मूवमेंट है सरकारी दफ्तरों में पूरी तरीके से बंद हो गया है। और जयपुर की फिजाओं में जो कर्मचारियों का जो कह सकते हैं कि मांगों का जो शोर है वो सुनाई दे रहा है। जयपुर के अंदर जो अलग अलग संगठन है, क्योंकि कल से राज्य सरकार को जो कह सकते हैं कि राहत देने के लिए, महंगाई से राहत देने के लिए प्रशासन गांव के संग, शहरों के संग और साथ में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत होने जा रही है। और ग्राम पंचायत से लेकर और निकायों के वार्डों में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। लेकिन इस शिविर से पहले मंत्रालय कर्मचारी, सूचना सहायक, सहायक प्रोग्रामर, खाद्य विभाग के रसद एवं प्रवर्तन अधिकारी, राजस्व कर्मी है जिसमें पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कानून को हैं और सरपंच से लेकर ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो आंदोलन पर उतर आए, यानी कि उन्होंने हड़ताल कर दी है। और यही इस अभियान की ताकत है। यदि ये कार्मिक नहीं होंगे तो इस शिविरों के अंदर कौन काम करेगा, क्योंकि आपको यदि कंप्यूटर के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, एडमिट कराना है, तो उसका काम सूचना सहायक करेगा, मंत्रालय कर्मचारी करेगा। और जो अलग अलग योजना है, जैसे यदि सिलेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो खाद्य विभाग के अधिकारी करेंगे। अन्नपूर्णा जो किट योजना है उसका यदि काम करना है तो आपको रेवेन्यू के अफसर हैं वो काम करेंगे। तो ये तमाम वो कड़ी है जो कि शिविरों की ताकत है। और सरकार एक तरफ पूरी ताकत लगा रखी है इस अभियान को सफल होने के लिए, लेकिन इस ताकत के पीछे जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, यानी कि वो रूठे हुए हैं। और रूठे हुए होने के कारण उनको मनाने की कोशिश हालांकि लगातार जारी है। रेवेन्यू जो राजस्व कर्मी है वो अभी उनसे वार्ता हो रही है, हके लोड़ा है, ईसीएस फाइनेंस से वार्ता चल रही है। इससे पहले जो कल सरपंच है वो भी वार्ता के लिए गए थे, हालांकि बात नहीं बनी, बात से बात नहीं बनी। लेकिन इन शिविरों को यदि सक्सेस करना है तो इन सभी रूठे हुए कर्मचारियों को राज्य सरकार को मनाना होगा, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं अलग अलग है। मंत्रालय कर्मचारियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति की मांग है, सूचना सहायक और सहायक प्रोग्रामों की जो ग्रेड पे की मांग है बढ़ाने की मांग है। खाद्य विभाग और रसद जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 2018 के बाद उनकी पदोन्नति नहीं हुई है तो पदोन्नति की जाए। राजस्व जो कर्मी है उनका कहना है कि जो पिछली बार जो समझौता राज्य सरकार से हुआ था उसको लागू किया जाए। और इसी तरीके से जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, जो वीडियो हैं, उनका कहना है कि राजस्थान में 12,285 ज्यादा ग्राम विकास अधिकारी हैं। उनका कहना है कि जो ग्राम विकास अधिकारी संरक्षित जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए, साथ में अंतर जिला स्थानांतरण पॉलिसी है वो लागू किया जाए, कैडर पुनर्गठन और उच्च पद सृजित किया जाए और 3 सालों से जो लंबित पदोन्नतियां हैं उसको करवाया जाए। तो इस तरह की ये सभी जो कैडर हैं, अलग अलग कर्मचारियों के अलग अलग संगठन हैं, वो आंदोलन तो कर रहे हैं और लेकिन आंदोलन के बीच में राहत। तो दीपक, ये आंदोलन यूं ही मुसलसल जारी रहेगा या कोई हल निकाला जाएगा इसका, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं शिविर में काम करने के लिए कर्मचारी नहीं होंगे तो फिर इस कैंप को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाएगा, ये भी चुनौती है। बिल्कुल, सक्सेस बनाने के लिए मैं लगातार कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सक्सेस यदि इन शिविरों को करना है तो इन सभी कर्मचारी संगठनों को मनाना होगा, क्योंकि सूचना सहायक वो कड़ी है जो कि कंप्यूटर का काम करेगा शिविरों के अंदर, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो तमाम जो सुविधा है, जो राहत
दी जाएगी तो वो सूचना सहायक काम करेगा, आईटी का जो कर्मी है वो काम करेगा, जो पटवारी है वो भी उसकी भी अहम कड़ी रहती है, रेवेन्यू को लेकर एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तहसीलदार है, कानून को है, गिरदावर है, इसके अलावा मंत्रालय कर्मचारी है, क्योंकि पूरी तरीके से जितने भी सरकारी दफ्तर है, कह सकते हैं जिला परिषद से लेकर कलेक्ट्रेट, डीएसओ दफ्तर, इसके अलावा जिला परिषद है या रजिस्ट्री का दफ्तर है, मुद्रा के पंजीयन विभाग। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल वही है जो लगातार उठाया जा रहा है कि क्या आंदोलन यूं ही जारी रहेगा या बीच का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि आंदोलन के चलते जैसे कि सहयोगी दीपक बता रहे हैं कि अगर आंदोलन यूं ही जारी रहेगा तो फिर शिविर में कर्मचारी मौजूद नहीं रहेंगे, और जब कर्मचारी मौजूद नहीं रहेंगे तो शिविर यानी कि जो कैंप चलाया जाएगा पार्टी की ओर से, उसे कैसे ग्राउंड पर सक्सेसफुल बनाया जाएगा, ये भी चुनौती है।